औरत को बहकाने के 6 तरीके। ये काम कोई इतना आसान नहीं, खासकर अगर आप छोटी उम्र के हैं और इस फील्ड में नए हैं, लेकिन वक्त सब सिखा देता है। बस इसके लिए हिम्मत और हौसला चाहिए। और फिर मैं भी यहाँ आपको गाइड करने के लिए हाजिर हूँ और एक बहुत ही अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है इससे आप अपने मसले का हल निकाल लेंगे। आपने यकीनन देखा होगा कि कुछ तो सारी जिंदगी किसी को हासिल नहीं कर पाते और कुछ ऐसे भी हैं जो इस फील्ड में जबरदस्त महारत रखते हैं और अपनी मनपसंद साथी का सिलेक्शन आसानी से कर लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी बहुत ही प्यारी शरीक हयात का इंतखाब करके उसे हाथ में लिया जाए, तो इस वीडियो में दिए गए कवायद पर अमल करें। लेकिन ध्यान रखें कि इस काम में कामयाबी के लिए सब्र बहुत ज़रूरी है। ज़रा सी गलती आप अपने हाथ आई लड़की को गवा बैठेंगे। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते आप तक पहुँच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहला तरीका, अपने एतमाद से उसे मुतासिर करें। हर उस्ताद के पास ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि जिसकी वजह से हम उसे उस्ताद कहते हैं। इसी तरह मैं भी आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं, लेकिन देखना ये है कि आप इस पर कहां तक अमल कर सकते हैं। सर्वे से इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जिन मर्दों में एतमाद हो और काबिल भरोसा हो, औरतें उन पर जल्दी मरने लगती हैं। क्योंकि औरत की बुनियादी फितरत सबसे पहले अपना तहफ़ुज़ देखती है। अगर आप चाहते हैं कि उसे अपने हाथ में लें, तो सबसे पहले उसका भरोसा जीतें। अपने आप में एतमाद आने में कुछ वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहने से सब आसान हो जाता है और आपके लिए आसान हो जाता है किसी को पाना। दूसरा तरीका, उसका दिल जीतें। ज़ाहरी शक्ल सब कुछ नहीं होती, जो बात असल होती है वो है उसका दिल जीतना। इसलिए अपने पॉइंट्स में इजाफा करें और मजबूर करें उसे कि वो आपके मुतालिक सोचे। आप जैसे जैसे अपने पॉइंट्स बढ़ाते रहेंगे वो आपसे मुतासिर होती रहेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को बना कर रखें, अच्छा परफ्यूम इस्तेमाल करें, साफ सुथरे रहें और उसकी भी केयर करें। तीसरा तरीका, उसे हंसाएं। यकीनन आप मज़ा निगाह नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उसे हंसाएं। लड़कियों को ऐसे लड़के ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो उनको हंसाने वाले, मज़ा करने वाले और खुश रखने वाले हों। इसके अलावा मुस्कुराते रहें, इससे जहां आपका लुक अच्छा लगेगा वहां आपके एतमाद में भी इजाफा होगा। चौथा तरीका, खुलकर बात करें। अगर आप उसका दिल जीतने में कामयाब हो जाए तो थोड़ा आगे बढ़ें और खुलकर हर टॉपिक पर बात करें, ताकि हर बात एक दूसरे से कर सकें, चाहे वो सेक्स का मौजू ही क्यों ना हो। इससे उस लड़की में भी एतमाद पैदा होगा और उसका डर खौफ भी ख़त्म हो जाएगा और वो आपके ज़्यादा करीब आ जाएगी। पांचवा तरीका, अपनी जिम्मेदारी दिखाएं। लड़कियां महफूज रहना पसंद करती हैं, इसलिए जब वो आपके साथ हो तो उसे हौसला दें कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसे इस बात का यकीन भी होना चाहिए कि वो आपके साथ महफूज है, इसलिए उसकी हेल्प करें एहसासी तौर पर, जज्बाती तौर पर। इस तरह करने से ऐसा वक्त भी आएगा कि बजाय आपके वो आपकी मुंतजिर रहेगी। छठा तरीका, अपनी नज़रों से घायल करें। उसे वक्तन फवक्तन देखते रहें, नज़रें झुकाकर बैठे ना रहें कि मामला तोल पकड़े। उसे देखते रहने का सिलसिला जारी रखें। उसे इस बात का अच्छे से अंदाज़ा होना चाहिए कि आप उसमें बेइंतहा दिलचस्पी रखते हैं। शुरू में वो ज़रूर शर्माएगी, लेकिन फिर आपका उसे तकना बहुत अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।